जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से देश के नाम के राजनीतिक दुरुपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से भारत और इंडिया नाम को लेकर की जा रही राजनीति पर संज्ञान लेने और देश के नाम का उपयोग करने वाले सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और गठबंधनों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर G20 रात्रि भोज के लिए निमंत्रण भेजने के एक दिन बाद आई है। इस बदलाव पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने राष्ट्रपति के निमंत्रण में भारत के संदर्भ को सत्तारूढ़ दल के सामने पेश की जा रही विकट चुनौती से भाजपा की घबराहट से जोड़ा है। मायावती ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था। सत्तारूढ़ दल को गठबंधन के इंडिया नाम पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत और इंडिया देश के प्रसिद्ध और गरिमामय संवैधानिक नाम है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। मायावती ने कहा कि लोग उस संविधान से प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उससे जुड़ाव रखते हैं, जिसका प्रारूप भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, इसमें संशोधन करना या इसकी भावना से छेड़छाड़ करना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। G20 रात्रि भोज आमंत्रण में उन अटकलों को बल मिला है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत करना 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे संसद के विशेष सत्र के दौरान विधायी एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। मायावती ने कहा कि विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर NDA सरकार को देश के नाम पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा, विपक्ष और सत्ता पक्ष की नाम की राजनीति की निंदा की जानी चाहिए। मायावती ने कांग्रेस और भाजपा पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत बनाम इंडिया की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, लोग गंदी राजनीति को समझ गए हैं, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने इंडिया और भारत पर संकीर्ण राजनीति को जनविरोधी बताया। कहा, सर्वोच्च न्यायालय को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा हमारे देश के नाम पर राजनीति किसी को भी हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का अवसर प्रदान करेगी। मुंबई में 2 दिवसीय तीसरी इंडिया गठबंधन के बैठक से एक दिन पहले सोशल साइट एक्स पर मायावती ने कहा कि बसपा लगातार NDA और इंडिया गठबंधन की नीतियों के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा ने लोगों के हित में दोनों गठबंधनों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते मायावती ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन और भाजपा नेतृत्व वाली NDA के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया था।